क्या सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच एक वर्स्ट इंजीनियरिंग ब्रांच है? इस वीडियो में मैं डिकोड करूंगा। हालांकि एक काइंड ऑफ वीडियो होगा आपको समझाने के लिए सिविल इंजीनियरिंग वर्स्ट लोगों क्यों लगता है और इस ब्रांच का एक अमेजिंग साइड है जो बहुत कम लोगों को पता है। ओनली फ्यू पीपल नो अबाउट इट, वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बनाने के लिए हमेशा की तरह काफ़ी साल का एक्सपीरियंस और कुछ नया तड़का जो नया रिसेंट चल रहा है आपको बताऊंगा मैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे से वन टू वन बात करना चाहते हैं। साथ में हम 2500 कोर्स तो फ्री देते हैं, इंक्लूडिंग इंग्लिश, सी प्लस प्लस, सी, टाइम मैनेजमेंट जो रियली में वर्क करता है, मार्क्स कैसे अच्छे आएंगे, ये आपको अगर डिटेल में चाहिए पूरा वीडियो देखिए। अभी बुक करना है बिकॉज बुक अगर जल्दबाजी में करना है आपको, बहुत सारे लोगों को पता है उसके बारे में, तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, जल्दी बुक करिए। एक बात आपको बता देता हूँ, कितना बेनिफिट मिलेगा 100% 200% मुझे नहीं पता। लाइफ में आपका 10-20% डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट मिलेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। 10-20% काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी के लाइफ के लिए। आपके अगर 70% नंबर आ रहे थे, 80% नंबर आने का जुगाड़ आपको बता सकता हूँ। कहानी समझ पा रहे हो? सो दैट इज़ द पावर ऑफ ओनली वन कंसल्टेशन विथ मी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, हालांकि डिटेल में बताऊंगा आगे जाके। लेकिन पहले बात करते हैं व्हाई पीपल आर सेइंग दिस इज अ वर्स्ट ब्रांच। वर्स्ट ब्रांच है क्यों? इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है, मैं आपको बता देता हूँ। खाली इसको नहीं, कई ब्रांचेस को लोग बोलते हैं, मैं भी काफ़ी बार बोला हूँ, बट मैं दोनों साइड बोलता हूँ। अगर आपको लगता है मैंने कोई वीडियो देखा मेरा, आपने आपने बोला सर वर्स्ट ऐप बोल रहे हो, अच्छा भी है, आपने मेरा पूरा वीडियो नहीं देखा था। फिर मैं हमेशा बोथ साइड्स बात करता हूँ ताकि आपको रियलिटी पता लगे। वन साइड बातें मेरे को करना पसंद बिल्कुल नहीं है बिकॉज मुझे प्रॉपर गाइड करना है आपको, थोड़ी ना आपको मैनिपुलेट करना है पॉलिटिकली, फिर किसी को वोट दिलवाना है, ऐसा मेरा काम नहीं है भाई। मुझे आपका फ्यूचर बनाने में इंटरेस्ट है, आपका अच्छा फ्यूचर बन जाएगा मुझे बहुत खुशी मिलेगा, मिठाई भेज देना, ठीक है? अच्छा, सो वर्स्ट क्यों बोलते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? इसका वर्क लाइफ बैलेंस। आप बोलेंगे सर ये क्या बला चीज़ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या ये वर्क लाइफ बैलेंस, हमें तो समझ में नहीं आता ये बात, हम तो पहली बार सुन रहे हैं बात। ऐसे हो सकता है मे बी यू आर लिसनिंग टू दिस सेंटेंस फर्स्ट टाइम, वर्क लाइफ बैलेंस। ये वर्क लाइफ बैलेंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पर्सनल लाइफ में, बिकॉज प्रोफेशनल लाइफ में कितना भी पैसा आपके पास आ जाए, आपका अगर पर्सनल लाइफ खिचड़ी पक गया वो पैसा कोई काम के नहीं। पर्सनल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसमें आपका घर का लाइफ, फैमिली लाइफ हो सकता है, आपके हेल्थ के इशू हो सकते हैं, आपके खुद के लाइफस्टाइल हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, बट ऑल दीज थिंग्स मैटर्स, आई मीन ऑल दीज थिंग्स आर रियली मैटर्स, राइट? सो इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। ओके, सो वर्क लाइफ बैलेंस क्यों गड़बड़ जाता है भाई, रीजन क्या है? सिविल इंजीनियरिंग वाले क्या करते हैं पहले समझना पड़ेगा, उससे आपको पता लगेगा। सिविल वाले क्या करते हैं भाई, बिल्डिंग बनाते हैं। उसमें कई जॉब प्रोफाइल होता है, सिविल वाले खाली बिल्डिंग नहीं बनाते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी देखते हैं, जियो टेक्निकल भी पढ़ते हो, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग भी पढ़ते हैं, बट मेनली मैक्सिमम लोगों का जॉब्स कहाँ लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है। तो जॉब कहाँ लगेगा, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है, समझ रहे हैं? रोड के काम में आपका जॉब लगा है तो रोड जहां बनेगा वहीं तो जाएंगे ना भाई। तो पहला क्या हो गया, आपका जो प्लेस है, वर्क प्लेस है, फिक्स नहीं है, हर 6 महीने में चेंज होता है। सो इट इज वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम, बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ पीपल, दोज आर ऑलरेडी मैरिड, देयर चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन स्कूल,
स्कूल में पढ़ रहे हैं भाई, थोड़ा ना 6 महीने में स्कूल चेंज करता फिरेगा आपका बच्चा। सो दिस इज वन ऑफ द बिग रीजन, अभी स्टार्ट किया है। दूसरा सबसे बड़ा और बिग रीजन क्या होता है, क्या लोग बोलते हैं सर पैसा नहीं है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट, मनी इज देयर, पैसा है, बट इसको कंपैरिजन मत करना आईटी फील्ड के साथ, इसको कंपैरिजन मत करना वीएलएसआई के साथ, देन मे बी विल थिंक पैसा इतना नहीं है। कंपैरिजन करने की बात है तो आप इसको अदर कोर फील्ड से कंपैरिजन करेंगे तो पैसा है। जो बंदे 20,000 से स्टार्ट करते हैं 3-4 साल में 50,000 पहुंच जाते हैं बड़े प्यार से। हाँ, आफ्टर 1 लाख रोड थोड़ा सा दिक्कत होता है, वो हर जगह होता है, खाली एक जगह नहीं होता है। जो आप सुनते हैं आईटी फील्ड में 50 लाख कमा रहा है, वो भाई बहुत कम लोग जाते हैं, 5-10% 15% लोग को उतने सैलरी मिलता है, बाकी लोग उसी में घिस रहे हैं, 10 लाख में घिस रहे हैं। मैं जानता हूँ कईयों को जिनके पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उनका सीटीसी 10 ही लाख है, कईयों का भाई जॉब भी जा चुका है। मैं आपको डरा बिल्कुल नहीं रहा हूँ, ये सच है, आप गूगल पर सर्च करिए, न्यूज़ पर आ जाएगा, समझ रहे हैं? अच्छा, बट ऐसा भी है बहुत सारे लोग करोड़पति बन रहे हैं, उनका करोड़ का पैकेज अभी भी चल रहा है, ये भी सच है, ये भी गूगल में आता है, अगर सर्च करेंगे आप न्यूज़ पर जाएंगे पता लगता है। एक प्रॉब्लम क्या बोला, प्लेस ऑफ वर्क प्लेस का प्रॉब्लम है फर्स्ट। सेकंड, आप वर्क प्लेस में जाएंगे टाइमिंग का प्रॉब्लम, जाने का टाइम का तो पता है, आने का टाइम का लगभग कभी नहीं पता, ये और एक बड़ा प्रॉब्लम बंदे इन जनरल फेस करते हैं जो सिविल में काम करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम, आप किनके साथ काम करोगे, दैट इज द प्रॉब्लम, सिविल में आप किनसे काम करोगे, वर्क एनवायरनमेंट वन द बिग प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम आपको बताया, फोर्थ प्रॉब्लम वो हर जगह है, पॉलिटिक्स, आप जहां जाएंगे लोकल इन्फ्लुएंस होगा, आपके इन्फ्लुएंस होंगे, तो खिचड़ी पकता है पॉलिटिक्स का। लेकिन ये वाला प्रॉब्लम भाई सिविल में खाली नहीं है, हर फील्ड में है, ज्यादा कम हर फील्ड में है, और आजकल तो बढ़ता ही जा रहा है पॉलिटिक्स। सो इससे भाई बचना नामुमकिन है, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा इसको। बोलोगे सर आपने काम किया, अच्छा मैंने 5 साल काम किया है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, पॉलिटिक्स वहां भी था, तो पॉलिटिक्स जहां पर है गुटबाजी से बचो, अपने काम पर फोकस करो, अपने गोल पर फोकस करो, किसी को बुरा भला मत बोलो, किसी को क्रिटिसाइज मत करो, किसी को फालतू का बुद्धि देने मत जाओ, खुद को बेटर करो, दैट्स इट। अगर ऐसा करेंगे आप, हो सकता है आपको इंस्टेंटली बहुत कुछ ना मिले, बट लाइफ में बहुत कुछ मिल सकता है। एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं कभी भी कोई पॉलिटिक्स गेम नहीं खेला किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी को भी फंसाने के लिए। भाई स्टार्ट किया था एज ए टीचर, मैक्सिमम जगह पर मैंने इंटरव्यू लिया बंदों का, वो साथ मेरे काम करे, ना कभी क्रिटिसाइज किया, ना कभी उनके साथ हैंग हुई करा, मेरा एक ही काम था भाई, मुझे अपना लाइफ को बनाना है अच्छे से, मेरे तरह मैं काम करता रहा बस 5 साल काम किया, छुटकारा, छुट्टी मार लिया और क्या जॉब से। सो ये एक स्ट्रेटेजी है जो मेरे लिए काम किया था, आप लगा सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आया वाई पीपल से दिस इज अ वर्स्ट ब्रांच। सिर्फ एक साइड बताया, और एक बड़ा रीजन है लोग इसे वर्स्ट ब्रांच क्यों बोलते हैं, बिकॉज उनका जॉब नहीं लगता है। जॉब क्यों नहीं लगता है भाई, वाई एनी पर्सन अनेबल टू गेट जॉब इन अ सर्टेन फील्ड आफ्टर इवन कंप्लीटिंग वन ऑफ द फाइनेस्ट कोर्स इन द वर्ल्ड, एटलीस्ट इन इंडिया एज ऑफ नाउ। From last 20 years, I must say that because I have been watching it from last 15-20 years, I know about this field a little bit. But from 12 years, I have been working in this field. So, इसके worst इसलिए बोलते हैं because उनका job नहीं लगता है। Job क्यों नहीं लगता भाई, पढ़ाई नहीं करते, college में जाते हैं time pass करते हैं, सीखते हैं कुछ नहीं है, आता कुछ नहीं है। मतलब क्या है कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत तो आता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑफेंड हर चीज के लिए हो जाते हैं कई बच्चे, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं लेते। मेरे भाई आप अगर इस फील्ड से मतलब इस कैटेगरी में लाइक करते हो, आप बुरा मत मानिए, आप ऐसा करेंगे तो आपका ही फ्यूचर खराब होगा और किसी का नहीं होने वाला है। सो कोई कुछ बोलता है खराब लग रहा है, उस चीज को आप अपने लिए यूज करिए पॉजिटिव वे में, और बेटर करना है, कोशिश करिए आपसे गलती ना हो, कोई भी गलती हो गया उससे सीखिए आप।
अपने आप को बेटर करिए, दिस विल हेल्प यू अ लॉट, काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा ये चीज। समझ पा रहे हैं वर्स्ट क्यों लोग बोलते हैं किसी भी ब्रांच को, एटलीस्ट ऐसे ब्रांच को। अब बात करते हैं इस ब्रांच का बेस्ट साइड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इस ब्रांच से रिलेटेड बहुत सारे सरकारी जॉब निकलते हैं, 2 सरकारी जॉब्स हर साल निकलेंगे, एवरी ईयर। एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहता है वो 30 साल के आसपास रहता है, कुछ का 28 साल है। चलो आपके 5 मौका आपको मिलेगा एवरेज में, अगर आप सही टाइम पे पढ़ाई कर लिए तो 17 साल में आपका प्लस 2 कंप्लीट, 21 साल में बीटेक कंप्लीट, फाइनल ईयर से पेपर दे सकते हो। सो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं, पर उनमें से 2 जो हैं बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। एक UPSC है, इसमें मेरा एक हमारे साथ काम करते जॉब कर रहे हैं। एक SSC है, इसमें भी हमारे साथ काम करती थी जॉब कर रही हैं। और एक बता देता हूँ PSUs है, डायरेक्ट एग्ज़ाम होते हैं खुद के, या फिर गेट से इनके वैकेंसीज फील्ड होते हैं। ये मेनली आपके पास बड़े अपॉर्चुनिटी है। आप बोलोगे सर बाकी ब्रांच भी एलिजिबल होते हैं, ऐसा नहीं है। SSC JEE वाले को कौन दे सकता है, मेनली ऑटोमोबाइल का कुछ गिने चुने सीट्स होते हैं, मेनली कौन होता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल। बट इसमें एक चीज़ है जो आपको दिखाऊंगा अभी। सो SSC JEE हर साल निकलता है, वैकेंसीज कितने भी हो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज किसका होता है, सिविल का होता है। चलिए उसके बारे में पहले देखते हैं, मैं फिर आगे बताऊंगा आपको। सो बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना, भाई वैकेंसी सिविल का ज़्यादा कैसे है, कहाँ है, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आपको। बिना प्रूफ का मुझे भी मज़ा नहीं आता है, बिकॉज बिना प्रूफ का आपको समझ में नहीं आएगा। सो हमारे पास ये SSC JEE का एक नोटिफिकेशन का क्या है, कितना इसमें सीट्स हैं वैकेंसीज के साथ ब्रांच वाइज है। यहाँ पर देख लीजिए, JEE मतलब क्या है, जूनियर इंजीनियर सिविल, JEM मतलब मैकेनिकल, JEE मतलब इलेक्ट्रिकल, M मतलब मैकेनिकल, E मतलब इलेक्ट्रिकल, C मतलब सिविल, EM मतलब इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूँ अभी आपको पता लगेगा। ये लेटेस्ट आया था वैकेंसी, जरा देखिए यहाँ पर C 175 वैकेंसीज, JEE 194 वैकेंसीज। 175 और 194 कितना होता है भाई साहब बताना, 200 और यहां पर आ गया 369 हो गया आपका, 369 हो गया आपका। ठीक है जी, सही ऐड कर रहा हूं मैं क्या, 369 वैकेंसीज है क्या नहीं है, यहां पर देख लीजिए आप, ये यहां पर है UR का है। अच्छा इधर आप देखते हैं BRO का टोटल कितना है, 431 है। अब देखना मजा आएगा, इधर कितना है आपका 55 है, इधर कितना है 421 है, कितना हो गया भाई 852 हो गया वैकेंसी सिविल का। इधर कितना है 188, कितना हो गया भाई साहब 1000 प्लस हो गया। इधर 15 है, इधर 29 है, इधर 7 है, इधर इधर 4 है, इतना टोटल वैकेंसीज कितना है 1300 वैकेंसीज में 1100 प्लस लगभग वैकेंसीज किसका है, आप सामने दे काउंट कर लो, सिविल का है, बाकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के हैं। हर साल निकलता है भाई, 1000 के आसपास वैकेंसीज हर साल रहता है। और एक कौन से साल का डेटा है देख लो, आप कभी देखोगे 2023 का डेटा है, लास्ट ईयर का। समझ पा रहे व्हाई दिस इज द बेस्ट ब्रांच। बस आगे बढ़ते हैं, अभी तो एक दिखाया आपको मैं, और एक दिखाने वाला हूं आपको ESC का। ESC का मैं 3 दिखाऊंगा, क्यों मैं आपको बताऊंगा अभी। ESC में देखेंगे जो UPSC ESC का वैकेंसीज है, सिविल का वैकेंसीज कितना है, यहां पर देखिए 86 है टोटल, मैकेनिकल कितना है 39 है, और इलेक्ट्रिकल कितना है 60 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है कितना वैकेंसी है भाई साहब 41 है। ठीक है, सो टोटल वैकेंसीज 226 में से 86 किसका है, सिविल का वैकेंसी है। कितना परसेंट वैकेंसी है, ब्रांचेस कौन कौन से एलिजिबल देख लिया, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स, 4 ब्रांच एलिजिबल है।
कहानी समझ में आ रहा है? ओके जी, नेक्स्ट हम दिखते हैं, आगे बढ़ते हैं 2022 एक चीज शिफ्ट देखेंगे आप। ये देख थोड़ा सा ऐसे धुंधला आया है यार, मैंने ऐसे धुंधला नहीं बनाया, यूपीएससी वालों की तरफ से ये अपलोड हुआ था 2022 का डेटा, ठीक है। टोटल कितना है सिविल में 127, मैकेनिकल में 39, इलेक्ट्रिकल में 25, टेली कम्युनिकेशन में कितना है आपका 55, टोटल वैकेंसीज कितना है 246 और सिविल का कितना है 127। अब लोग से ज्यादा वैकेंसी में कंपटीशन होता नहीं क्या? अरे भाई होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। सिविल के कितने बच्चे हैं? बहुत कम बच्चे आजकल हैं। अच्छा नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2023। अब एक शिफ्ट देखेंगे आप, लेकिन ये कितना दिन तक बना रहेगा आई डोंट नो। जो दिखाया 21 का 22 का वो डेटा काफी साल से है, 8-10 साल से तो मैं खुद देख रहा हूं, है ना, उससे पहले से थोड़ा देख रहा था, कम था। सिविल का 178 वैकेंसी है, मैकेनिकल का 46, इलेक्ट्रिकल का 64, इलेक्ट्रॉनिक्स का अब तक क्या चला था, कम चल रहा था, 114 हो गया है, ये बढ़ा है इस साल। तो 401 वैकेंसी में 178 वैकेंसी किसका है? सिविल का है। तो आपको समझ में आ रहा है अब व्हेन दिस ब्रांच इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच इन केस ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। सो इफ यू वांट गवर्नमेंट जॉब, ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट जॉब, बट डेफिनेटली देयर आर अदर ऑप्शंस ऑल्सो। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता है, आपको सिविल में काम नहीं करना है, सो यू कैन गो फॉर MBA, देयर इज ऑलवेज ऑप्शन फॉर यू, इट इज ऑलवेज ओपन फॉर ऑल द पीपल, ऑल द ग्रेजुएट पीपल। सो जस्ट बी रेडी टू डू हार्ड वर्क, उससे आपका मोजी हो जाएगा मेरे दोस्त। कहानी समझ पा रहे हैं आप? क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? ये जो डेटा है, ये सब डेटा ऐसे ही आप तक नहीं पहुंचा देता हूं किसी आर्टिकल पढ़ के। भाई किसी आर्टिकल में ऐसे डेटा मिलेगा नहीं आपको, किसी वीडियो में ऐसे डेटा है कतई नहीं है, मुझे पता है, डज नॉट एग्जिस्ट। ये सब डेटा आता है बहुत टाइम से, ये सब काम कर रहा हूं उसके वजह से, इतना मेहनत करता हूं, लाइक और शेयर तो बनता है ना, ये इसीलिए बेस्ट ब्रांच है। क्या PSUs में वैकेंसीज होते हैं? इसमें होते हैं वैकेंसीज, बहुत सारे PSUs में सिविल के वैकेंसीज होते हैं, ठीक ठाक नंबर वैकेंसीज होते हैं। PSUs में एवरेज पैकेज होता है 16 लाख, SSC JEE में एवरेज पैकेज कितना होता है साल का 6-7 लाख होता है एवरेज पैकेज। UPSC EAC में एवरेज पैकेज कितना होता है 8-9 लाख के आसपास एवरेज पैकेज है बस। फैसिलिटीज सुपर मिलता है UPSC में, मजा आ जाएगा आपको भाई, ग्रुप ए का जॉब है। कहानी सुनवा रहा है? अब आगे बढ़ते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सभी लोगों के लिए, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। एक काम आपको करना जरूर है अपने लाइफ में, काउंसलिंग क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, बिकॉज जो बातें यहां पर बोलते हैं वो होता है एवरेज बातें। यू नीड कस्टमाइज सोल्यूशन फॉर योर लाइफ। यू कैन डेफिनेटली लीव वन नाइट डिनर इन एनी गुड रेस्टोरेंट, बट यू कैन नॉट लीव काउंसलिंग सेशन फॉर यू। सो इसका लिंक कहाँ है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 1-to-1 काउंसलिंग मेरे साथ लाइव, पेरेंट्स बच्चे नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो इट्स बीन सो मेनी पीपल ऑलरेडी कंसल्टेड विथ मी। आप मैं किसी का प्राइवेसी यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, बट बहुत बड़े बड़े बंदे मेरे पास आते हैं काउंसलिंग, अपने बच्चों की काउंसलिंग के लिए। बहुत सारे बच्चे UPSC क्रैक करके आते हैं बिकॉज कुछ प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, PSUs जॉब छोड़ने के लिए मेरे पास आते हैं बहुत सारे डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स, बिकॉज उनको मैं प्रॉपर गाइडेंस देता हूँ, दे बिलीव दे आर गेटिंग अल्टीमेट सोल्यूशन। सो इसमें 1-to-1 सेशन होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 33% ऑफ चल रहा है, तो एक्शन जल्दी लीजिए, बुक करिए। और खास बात क्या है, कोई किसी को पेमेंट प्रॉब्लम का है, वेबसाइट नहीं खुला मान लो, मेनली वो होता है आउटडेटेड ब्राउजर यूज करने से, तो आप इस नंबर पर कॉल बिल्कुल मत करना, कोई नहीं उठाता, व्हाट्सएप मैसेज करना, व्हाट्सएप पे नंबर ऐसे नहीं आएगा, इसको सेव करना होगा नंबर को मेरे नाम से, फिर आता है, व्हाट्सएप मैसेज करिए भाई हमारा एक पेमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, सोल्यूशन दीजिए, आई विल प्रोवाइड यू।
दैट्स नॉट ऑल, इसके साथ मैं कुछ अमेजिंग चीजें देता हूँ, वो क्या है 2500 के कोर्सेस फ्री। सो एकदम बढ़िया काम जो करते हैं, बिल्कुल टोटली यूनिक करते हैं, डिफरेंट करते हैं। और इसमें कौन कौन से कोर्सेज देख लीजिए, C++, C, इंग्लिश स्पीकिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बहुत सारे बच्चों के लिए। 90% पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम इन इंग्लिश माय डियर, नॉट ओनली इन स्पीकिंग, इवन इन राइटिंग। मे बी यू हैव ऑल्सो फेस प्रॉब्लम, आ तो था सर लेकिन लिख नहीं पाए, क्यों? अंग्रेजी प्रॉब्लम है। हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वेयर टू यूज दिस थिंग्स, ऑलवेज कन्फ्यूज्ड बट नॉट एनी मोर। ये भी फ्री मिलता है काउंसलिंग के साथ, लेकिन कोई अगर इंडिविजुअल लेना चाहता है काउंसलिंग के बिना, ये ले सकता है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इसमें तीन चीज मैं सिखाता हूं, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, तीनों चीज। दीज थिंग्स रियली रियली इंपॉर्टेंट, दीज थिंग्स विल हेल्प यू अ लॉट, बस स्लोली स्लोली सीखना होगा। इसका प्राइस कितना है, 1000 है, 50% ऑफ पे चल रहा है, 499, 100 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता हूँ। उसका प्रोमो कोड ही डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक के साथ। काउंसलिंग बुक कर लीजिए, बेटर है, बहुत ही हेल्प मिलेगा, सारे कोर्सेस फ्री मिलते हैं, इससे बढ़िया ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ऑफर में चल रहा है, जल्दी बुक करो, मिलेंगे लाइव आपके साथ 1-to-1। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।